कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे अक्सर आंकड़ों में उलझ जाते हैं और एक बार फिर राहुल गांधी आंकड़ों के फेर में फंस गए हैं। उनके ऐसे बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और विरोधी भी उनके ऐसे बयानों से उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में बैंक लूट का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से 50 बिलफुल डिफॉल्टर्स का नाम पूछा। Who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? इसके बाद राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी सारी जानकारी दी गई है। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि लोकसभा में 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम पूछने के बाद संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा कि उन्होंने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा है। एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 भैया इसको ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है, इनके नाम मैंने पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर वह आंकड़ों के जाल में उलझ गए। उन्हें याद ही नहीं था कि वे क्या पूछ रहे हैं। लोकसभा में 50 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा और बाहर आकर कहा कि उन्होंने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले कथित राफेल घोटाले को लेकर भी उन्होंने बार बार अलग आंकड़े दिए थे। इसको लेकर कई बार बीजेपी उन पर तंज कसती है और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को तंज कसने का मौका दे दिया है, जिसे लपकते हुए बीजेपी की ओर से पलटवार हो सकती है। मध्य प्रदेश में होली से एक दिन पहले 9 मार्च को सियासी उठापटक तेज हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कांग्रेस के 22 विधायकों को भी उड़ा लाए। ऐसे में फिलहाल कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, लेकिन कमलनाथ है कि मानने को तैयार ही नहीं है और सरकार बचाने के लिए हर दांव चल रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में कमलनाथ सरकार सोमवार को फ्लोर टेस्ट से बच गई। कमलनाथ सरकार पर छाया संकट अब कुछ दिनों के लिए टलता हुआ दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि ऐसे में कब तक कमलनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मांग की थी कि कमलनाथ सरकार सोमवार को फ्लोर टेस्ट करवाए, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। राज्यपाल लालजी टंडन ने स्पीकर से फ्लोर टेस्ट करवाने को कहा था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने नया दांव पेच चलकर विधानसभा को ही स्थगित करवा दिया ताकि उन्हें कुछ दिनों का मोहलत और मिल जाए। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मौजूदा स्थिति में फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बना लिया है। कांग्रेस फिलहाल बीजेपी पर आरोप लगाकर फ्लोर टेस्ट से बचना चाह रही है, लेकिन वे विधायक लगातार वीडियो संदेश जारी करके कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से बेंगलुरु में हैं। बागी विधायकों ने साफ साफ कहा कि कमलनाथ सरकार उन्हें अपने क्षेत्रों में काम नहीं करने दे रही थी और वे अपने नेता सिंधिया के साथ हैं। सिंधिया आज बीजेपी में है, इसलिए वे भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद भी कमलनाथ सत्ता में बने रहने के लिए फ्लोर टेस्ट से भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी राजनीतिक संकट से उबड़ी भी नहीं है कि उसे गुजरात में बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस में कांग्रेस विधायकों ने भूचाल ला दिया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस के 5 विकेट गिर गए हैं, मतलब 5 विधायकों ने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। वहीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो इस्तीफा देने वाले 5 कांग्रेस विधायकों में 2 विधायक जेवी ककड़िया और सोमा भाई पटेल हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ये दोनों विधायक गायब हैं।
और कांग्रेस के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल गाबित और प्रद्युम्न सिंह जडेजा का नाम इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायकों में होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रवीण मारू ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रवीण पहले विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा देने की पुष्टि की है। प्रवीण ने दावा किया है कि उन्होंने दो दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब पांच विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अपने 20 से 22 विधायकों को भी जयपुर लेकर जाएगी। सूत्रों की माने तो पांच विधायकों के इस्तीफे समेत कांग्रेस के 10 से 12 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में पहले 2 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों के इस्तीफे के साथ अब 3 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के 22 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस का सियासी संकट खत्म नहीं हो रहा है। पहले MP और अब गुजरात, इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र की भी बारी हो सकती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान मच सकता है। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार के 2 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठे उद्धव की कुर्सी खिसक सकती है। दरअसल पूर्व CM ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने जब JNU छात्र उमर खालिद अमरावती में विवादित भाषण दे रहे थे, इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्री भी वहां मौजूद थे। खालिद पिछले महीने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ट्रंप के दौरे के दौरान दंगे भड़कने चाहिए। फडणवीस ने दावा किया कि खालिद के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी शामिल थे। पूर्व CM ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में CAA के खिलाफ ज्यादातर प्रदर्शन अराजकता फैलाने के मकसद से किए जा रहे हैं। फडणवीस ने राज्य सरकार से उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने जिस बोर्ड ऑफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। फडणवीस ने हालांकि दोनों मंत्रियों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वह इसका सबूत CM उद्धव ठाकरे को देंगे। वहीं उन्होंने CM उद्धव ठाकरे से मांग की कि वे स्पष्ट करें कि CAA किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। हालांकि वो 2 मंत्री कौन थे, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अगर दोनों मंत्रियों के नाम सामने आते हैं तो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि फडणवीस का ये आरोप काफी गंभीर है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उठापटक तेज हो सकती है। मध्य प्रदेश में सियासी नाटक गजब का चल रहा है। कमलनाथ सरकार ने कोरोना के सहारे सरकार से संकट टालने की कोशिश की। राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था, लेकिन बड़ी ही चतुराई से कमलनाथ सरकार ने विधानसभा को 26 मार्च तक स्थगित करवा दिया। लेकिन बीजेपी भी हर दाव आजमा रही है। एक तरफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह ने बीजेपी विधायकों की राजभवन में परेड कराई है। राज्यपाल लालजी टंडन ने भरोसा दिया है कि वह विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के 106 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराते हुए शिकायत की कि विधानसभा में उनके सलाह का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद राज्यपाल लालजी टंडन ने विधायकों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि मैंने निर्देश दिया है तो इसे पालन कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करूंगा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक यहां सशरीर आए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत बीजेपी का है, इसलिए महामहिम राज्यपाल के सामने हमने परेड कराई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया। ऐसे में साफ है कि बीजेपी इतनी आसानी से बैठने वाली नहीं है। एक तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के पास विधायकों का परेड करवा दिया। ऐसे में राज्यपाल लालजी टंडन
कमलनाथ सरकार पर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि यदि मैंने निर्देश दिया था तो इसे पालन कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही आजम खान की फाइलें खुलने शुरू हो गए थे और आखिरकार कार्रवाई हुई और पूरा आजम परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया और आजम खान को अभी लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब आजम खान पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का एक और मुकदमा हुआ है। बता दें कि रामपुर राजस्व विभाग के निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद आजम खान पर यह मुकदमा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में दर्ज किया गया है। ऐसे में आजम खान पर 80 से ज्यादा मामलों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अखिलेश यादव सरकार में आजम खान ने जो कारनामे किए थे उसका हिसाब योगी सरकार में हो रहा है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत में वरिष्ठ एसपी नेता आजम खान पर हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया था। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री से पिछले दिनों फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होंने योगी से कहा कि आजम खान के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बहरहाल अखिलेश चाहे जो भी कहें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करने में देर नहीं करते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने रविवार को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर ने अपनी सियासी पार्टी की घोषणा के लिए बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती को चुना। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के झंडे का रंग नीला रखा है, जबकि मायावती की पार्टी के झंडे का रंग भी नीला ही है। इससे समझा जा सकता है कि चंद्रशेखर की नजर दलित समुदाय और बसपा के वोट बैंक पर है। भीम आर्मी के सियासत में कदम रखने से वेस्ट यूपी में राजनीतिक पारा चढ़ना लाजमी है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जन्म और कर्मस्थली वेस्ट यूपी होने के कारण यहां वर्चस्व की जंग होने के आसार ज्यादा हैं। चंद्रशेखर की दलित मुस्लिम एकता की कोशिश के कदम से बीएसपी बेचैन है। बीएसपी के नेताओं ने हाई कमान को साफ कह दिया है कि अब पार्टी को आक्रामक छवि दिखानी होगी, नहीं तो नुकसान तय है। बीएसपी के नेता के मुताबिक नई रणनीति के बारे में 5 अप्रैल की मीटिंग में फाइनल किया जाएगा। उसी दिन मायावती कुछ चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है और दलितों का ये समाज फिलहाल दो हिस्सों में बटा है। पहला जाटव, जिसकी आबादी करीब 14% है, जो मायावती की बिरादरी है। ऐसे में चंद्रशेखर ने अब मायावती की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं गैर जाटव वोटों की आबादी करीब 8% है। इनमें 50 से 60 जातियां और उपजातियां हैं। पिछले 4 चुनावों में हार का मुंह देख चुकी मायावती का लगातार वोट शेयर घट रहा है। ऐसे में मायावती की परेशानी को चंद्रशेखर ने और बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। सोमवार को फ्लोर टेस्ट टलने और 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी के विधायक राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे। 106 बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राज्यपाल लालजी टंडन से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। इसके साथ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, जहां मंगलवार को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार द्वारा फ्लोर टेस्ट न करवाने से राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को आखिरी चेतावनी दी है। बता दें कि राज्यपाल ने 17 मार्च को सीएम कमलनाथ को बहुमत साबित करने को कहा है। इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। अगर कमलनाथ सरकार 17 मार्च को बहुमत साबित नहीं करेगी तो उसे अल्पमत में माना जाएगा। इससे पहले राज्यपाल ने कमलनाथ को सोमवार को ही बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से कोरोना का हवाला देते हुए स्पीकर ने विधानसभा को स्थगित कर दिए। ऐसे में अब राज्यपाल के सख्त तेवर से कमलनाथ की ये चाल भी फेल होती दिख रही है। अगर कमलनाथ मंगलवार को बहुमत साबित नहीं करते हैं
तो राज्यपाल कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कमलनाथ की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन ने साफ कहा है कि यदि मैंने बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है तो इसे पालन कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगा चुके हैं। बहरहाल कमलनाथ कितने दिनों तक भागेंगे, क्योंकि विधानसभा में उनके सरकार को बहुमत परीक्षण से गुजरना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।